नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बिल गेट्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं बिल गेट्स के बारे में पूरी जानकारी। परिवार बिल गेट्स का वास्तविक तथा पूर्ण नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल में हुआ। इनके परिवार में इनके अतिरिक्त 4 और सदस्य थे। इनके पिता विलियम एच गेट्स, जो कि एक मशहूर वकील थे। इनकी माता मैरी मैक्सवेल गेट्स, जो प्रथम इंटरस्टेट बैंक सिस्टम और यूनाइटेड वे के निदेशक मंडल की सदस्य थी, तथा इनकी दो बहनें जिनका नाम क्रिस्टी और लिब्बी हैं। बिल गेट्स ने अपने बचपन का भी भरपूर आनंद लिया तथा पढ़ाई के साथ वह खेलकूद में भी सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। बिल गेट्स को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, वह पूरी दुनिया में अपने कार्यों से जाने जाते हैं। हम सभी ये भलीभांति जानते हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की नींव भी बिल गेट्स के द्वारा ही रखी गई है। बिल गेट्स का बचपन कैसे बीता? उनके माता पिता उनके लिए कानून में करियर बनाने का स्वप्न लेकर बैठे थे, परंतु उन्हें बचपन से ही कंप्यूटर विज्ञान तथा उसकी प्रोग्रामिंग भाषाओं में रुचि थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लेकसाइड स्कूल में हुई। जब वह 8वीं कक्षा के छात्र थे, तब उनके विद्यालय ने ISR-33 दूरटंकण टर्मिनल तथा जनरल इलेक्ट्रिक GE कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम खरीदा, जिसमें गेट्स ने रुचि दिखाई। तत्पश्चात मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, जिसका नाम टिक टैक टू तथा इसका प्रयोग कंप्यूटर से खेल खेलने हेतु किया जाता था। बिल गेट्स इस मशीन से बहुत अधिक प्रभावित थे तथा जानने को उत्सुक थे कि ये सॉफ्टवेयर कोड किस प्रकार कार्य करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के प्रति बिल गेट्स की लगन इसके पश्चात गेट्स DCTEC, PDP, PDP, मिनी कंप्यूटर नामक सिस्टमों में दिलचस्पी दिखाते रहे, परंतु उन्हें कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रही खामियों के लिए 1 महीने तक प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी समय के दौरान उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर CCC के सॉफ्टवेयर में हो रही कमियों को दूर कर लोगों को प्रभावित किया तथा उसके पश्चात वह CCC के कार्यालय में निरंतर जाकर विभिन्न प्रोग्रामों के लिए सोर्स कोड का अध्ययन करते रहे, और ये सिलसिला 1970 तक चलता रहा। इसके पश्चात इंफॉर्मेशन साइंसेस INC लेकसाइड के 4 छात्रों को, जिनमें बिल गेट्स भी शामिल थे, कंप्यूटर समय एवं रॉयल्टी उपलब्ध कराकर कोबोल काबुल पर एक पेरोल प्रोग्राम लिखने के लिए किराए पर रख लिया। इसके पश्चात उन्हें रोकना नामुमकिन था। मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने मित्र एलन के साथ मिलकर ट्राफो डेटा नामक एक उपक्रम बनाया, जो इंटेल 8008 प्रोसेसर इंटेल 8008 प्रोसेसर पर आधारित यातायात काउंटर ट्रैफिक काउंटर बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया। 1973 में वे लेकसाइड स्कूल से पास हुए तथा उसके पश्चात बहुप्रचलित हार्वर्ड कॉलेज में उनका दाखिला हुआ, परंतु उन्होंने 1975 में ही बिना स्नातक किए वहां से विदा ले ली, जिसका कारण था उस समय उनके जीवन में दिशा का अभाव। उसके पश्चात उन्होंने इंटेल 8080 चिप बनाया तथा ये उस समय का व्यक्तिगत कंप्यूटर के अंदर चलने वाला सबसे वैनयोग्य चिप था, जिसके पश्चात बिल गेट्स को ये एहसास हुआ कि समय द्वारा दिया गया ये सबसे उत्तम अवसर है जब उन्हें अपनी स्वयं की कंपनी का आरंभ करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्थान कैसे हुआ? मिट्स माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम्स, जिन्होंने एक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया था, उन्होंने गेट्स को एक प्रदर्शनी में उपस्थित होने की सहमति दी तथा गेट्स ने उनके लिए अल्टियर एमुलेटर निर्मित किया, जो मिनी कंप्यूटर और बाद में इंटरप्रेटर में सक्रिय रूप से कार्य करने लगा। इसके बाद बिल गेट्स व उनके साथी को मिट्स के अल्बुकर्क स्थित कार्यालय में काम करने की अनुमति दी गई।
उन्होंने अपनी जोड़ी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा तथा अपने पहले कार्यालय की स्थापना अल्बुकर्क में ही की। 26 नवंबर 1976 को उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का नाम एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर पंजीकृत किया। माइक्रोसॉफ्ट लैटिन एड्रेस, लैटिन सिम्स, लैटिन नेम, लैटिन कंप्यूटर के चाहने वालों में सबसे अधिक लोकप्रिय हो गया था। 1976 में ही माइक्रोसॉफ्ट मिथ से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया तथा गेट्स और एलन ने मिलकर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा सॉफ्टवेयर का कार्य जारी रखा। इनसे बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अल्बुकर्क में अपना कार्यालय बंद कर बेलेवे वाशिंगटन में अपना नया कार्यालय खोला। माइक्रोसॉफ्ट ने उन्नति की ओर बढ़ते हुए प्रारंभिक वर्षों में बहुत मेहनत व लगन से कार्य किया। गेट्स भी व्यावसायिक विवरण पर भी ध्यान देते थे, कोड लिखने का कार्य भी करते थे तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा लिखे गए व जारी किए गए कोड की प्रत्येक पंक्ति की समीक्षा भी वे स्वयं ही करते थे। इसके बाद जानी मानी कंपनी IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने में रुचि दिखाई। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए बेसिक इंटरप्रेटर बनाने का अनुरोध किया। कई कठिनाइयों से निकलने के बाद गेट्स ने सियाटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स के साथ एक समझौता किया, जिसके बाद एकीकृत लाइसेंसिंग एजेंट और बाद में खरदोश के वे पूर्णाधिकारिक बन गए और बाद में उन्होंने इसे IBM को $80,000 के शुल्क पर PC DAS के नाम से उपलब्ध कराया। इसके पश्चात माइक्रोसॉफ्ट का उद्योग जगत में बहुत नाम हुआ। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट को पुनर्गठित कर बिल गेट्स को इसका चेयरमैन व निदेशक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला संस्करण पेश किया। 1975 से लेकर 2006 तक उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के पद पर बहुत ही अद्भुत कार्य किया। उन्होंने इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बिल गेट्स का विवाह और आगे का जीवन कैसा रहा? 1994 में बिल गेट्स का विवाह फ्रांस में रहने वाली मिलिंड से हुआ तथा 1996 में इन्होंने जेनिफर कैथेराइन गेट्स को जन्म दिया। इसके बाद मिलिंडा तथा बिल गेट्स के दो और बच्चे हुए, जिनके नाम रोरी जॉन गेट्स तथा फोबी अदेली गेट्स हैं। वर्तमान में बिल गेट्स अपने परिवार के साथ वाशिंगटन स्थित मैडिना में उपस्थित अपने सुंदर घर में रहते हैं, जिसकी कीमत $1,250,00,000 है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का उदय कैसे हुआ? वर्ष 2000 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नींव रखी, जो कि पारदर्शिता से संचालित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन था। उनका ये फाउंडेशन ऐसी समस्याओं के लिए कोष दान में देता था जो सरकार द्वारा नजरअंदाज कर दी जाती थी, जैसे कि कृषि, कम प्रतिनिधित्व वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, कॉलेज छात्रवृत्तियाँ, एड्स जैसी बीमारियों के निवारण हेतु इत्यादि। जानते हैं कौन से परोपकारी कार्य किए? सन 2000 में इस फाउंडेशन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को $210 मिलियन गेट्स कैम्ब्रिज छात्रवृत्तियों हेतु दान किए। वर्ष 2000 तक बिल गेट्स ने $29 बिलियन केवल परोपकारी कार्यों हेतु दान में दे दिए। लोगों की उनसे बढ़ती हुई उम्मीदों को देखते हुए वर्ष 2006 में उन्होंने ये घोषणा की कि वे अब माइक्रोसॉफ्ट में अंशकालिक रूप से कार्य करेंगे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में पूर्णकालिक रूप से कार्य करेंगे। वर्ष 2008 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के दैनिक परिचालन प्रबंधन कार्य से पूर्णतया विदा ले ली, परंतु अध्यक्ष और सलाहकार के रूप में वे माइक्रोसॉफ्ट में विद्यमान रहे। धन्यवाद।